इस बार तो गजब हो गया। नए साल पर नए तरीके से शराब तस्करी करते पकड़ा गया एक युवक। पहले कपड़े की फेरी के आड़ में शराब तस्करी हो रही थी, अब बर्तन में फेरी वाला शराब तस्करी कर रहा था। तस्वीरों को ज़रा देख लीजिए, ये गोपालगंज के पुलिस ने पकड़ा है और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक युवक जो बिशंबरपुर थाना क्षेत्र में घूम घूम कर बर्तन बेच रहा था, बर्तन ले लो बर्तन ले लो। लेकिन जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली तो पुलिस ने जब जांच किया तो उस बर्तन के आड़ में जो निकला वो तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। उस युवक का नाम सुरेश प्रसाद है और वो सिसवन थाना क्षेत्र का रहने वाला, यानी तरिया सुजान कुशीनगर का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश से बर्तन बेचने बिहार में गाड़ी से आया था। लेकिन बर्तन बेचते बेचते वो अंदर ही अंदर शराब लोगों को डिलीवर कर रहा था। लेकिन पुलिस को इस बात की भनक लग गई और पुलिस ने देखिए 72 लीटर देसी शराब के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया। उसके सारे बर्तन जब्त कर लिए गए हैं और उसकी फेरी वाली बाइक को भी जब्त कर लिया। यानी पिछले दिनों आपने देखा था कि कपड़े की फेरी वाला शराब तस्करी करते पकड़ा गया था, अब बर्तन की फेरी वाला पकड़ा गया। कुछ दिन पहले स्टेबलाइज़र में भी शराब ले जाते पकड़ा गया था और बदन में टेप लगाकर शराब ले जाना तो आम बात है। अब देखिए कि किस तरह से बिहार में जब शराबबंदी हुई थी उसके बाद से शराब तस्कर सक्रिय हो गए और अलग अलग तरीक़ों से शराब तस्करी करते हैं, लेकिन इस तरीका को देखकर आपकी भी हंसी छूट जाएगी। 9 वर्ष आने वाला है, ऐसे में शराब तस्करी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध और रोक लगाने के लिए हम लोग लगातार बॉर्डर एरिया पर सघन चेकिंग कर रहे हैं। और इसी क्रम में कुशीनगर से एक शराब तस्कर जो बर्तन में छुपा कर करीब 72 लीटर शराब बर्तन बेचने की आड़ में बर्तन में छुपा कर ला रहा था, उसको पकड़ा गया है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। और शराब तस्कर का नाम अमित प्रसाद है, जो कुशीनगर के तरिया सुजान थाने का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में अग्रसर किया। कहाँ से की गई है? बिशंबरपुर थाने से इसकी गिरफ्तारी की गई है। तो साफ तौर पर आपने सुन लिया कि नए साल पर हर उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों की जाँच हो रही है, यानी फेरी वाले हो, गाड़ी वाले हो, या फिर साइकिल वाले, या फिर नाव से आ रहे हो, सभी की जांच होगी और सभी पर कार्रवाई किया जाएगा। अब इस कार्रवाई को देखकर तो आपको भी मजा ही आ गया होगा। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और इसके लिए एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।